हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोज न्यूज यानी टेक्निकल ज्ञान का भंडार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है, तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपके लिए इससे सावधानी के लिए कुछ टैक्स से रिलेटेड टिप्स लेकर आया हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। और दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आजकल जब से कोरोना का कहर चला है, जब से इसकी न्यूज स्टार्ट हुई है, तब से आपको पूरे सोशल मीडिया पे, अब चाहे वो व्हाट्सएप है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या आपका यूट्यूब है, जो भी है, आपको तरह तरह की वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। दोस्तों ऐसे में जो भड़काने वाले मैसेज हैं, ऐसे मैसेज को आगे ना जाने दें, उन्हें रोकें। आप पर आ गए ठीक है, आप उनको डिलीट कर दें। किसी भी ग्रुप में ऐसे मैसेज बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, अब चाहे वो खाना हो गया या आपका कोई ज़रूरी सामान हो गया, तो जैसा अमेजन से या फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर करने लगते हैं, तो अभी क्या है, अभी आपको सावधानी बरतनी है। कम से कम 20 से 30 दिन तक कोई भी ऑर्डर ना करें, हो सके तो अपने मार्केट में भी ना जाएं। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो अपने लोकल मार्केट से खरीदना प्रेफर करें, अगर वो इतना ज़रूरी नहीं है तो मार्केट में भी ना जाएं, अभी घर पर ही रहें। दोस्तों जैसा कि अगर आप किसी अमेजन से या फ्लिपकार्ट से या किसी बड़ी कंपनी से आप बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि वो आने के बाद आप उसको सैनिटाइजर से ढंग से ठीक से साफ़ कर लें, उसके बाद उसे प्रयोग में लें। दोस्तों अगली टिप्स हैं कि आप अभी तक जो रिचार्ज कराने के लिए चीज़ यूज करते थे कि दुकान पर जाकर आप रिचार्ज करा रहे हैं, तो उसमें मैं आपके लिए प्रीफर करूँगा कि आप डिजिटल पेमेंट का यूज करें। उसमें आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी चीज़ों का सहारा लें। अगर आपको नहीं आता है तो आपको चाहिए कि जो आपके घर में पढ़ा लिखा है या कोई पड़ोसी है, उससे आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन दुकान में जाने से बचें। और दोस्तों अगली टिप्स है कि इस समय सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ आपका फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, हम दुकान पर जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, हम डायरेक्ट अपना फ़ोन जेब में से निकाल लेते हैं, हाथ में लेते हैं, रात को सोते वक्त कहीं जा रहे हैं कि इसे हाथ में लाया, तुरंत हाथ में ले लिया फ़ोन, कहीं बाज़ार में गए हैं, कोई सामान लिया, एकदम हाथ में ले लिया फ़ोन। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदी होने वाली चीज़ हमारे हाथ में जो ही रहती है, फ़ोन है। दोस्तों इसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, अब इसको धो तो सकते नहीं, तो अच्छे से इसको सैनिटाइज कर लें। आप इसको साफ़ करने में जो चश्मे के कवर में, चश्मे के साथ आपको कपड़ा मिलता है, उस टाइप के कपड़े का, बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े का, अपने स्क्रीन साफ़ करने के लिए उसका यूज़ करें। दोस्तों अगली टिप्स है कि आपको पता है कि नॉट सबसे अच्छी चीज़ है, आपको और मुझे सभी को पता है कि नॉट सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे में कोरोना को देखते हुए, इस वायरस को देखते हुए, नॉट सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है। दोस्तों आपको नहीं पता कि कौन सा नॉट कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, आज आपने जो नॉट लिया वो कहाँ से आया, कहाँ को गया, कैसे कैसे हाथों में होता हुआ वो आया है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि पैसे का जितना कम हो सके यूज करें, डिजिटल पेमेंट का यहाँ पर यूज करें, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनका यूज करें, नोट का बहुत कम यूज करें, क्योंकि दोस्तों नोट से सबसे ज़्यादा, नोट के द्वारा इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों जैसा कि आपको कल पता ही चल गया होगा कि कल अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे, प्रधानमंत्री का देश को संबोधन में उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू के बारे में। तो जनता कर्फ्यू क्या है, जनता के द्वारा, जनता हित में, जनता द्वारा लगाया गया कर्फ्यू जनता कर्फ्यू कहलाएगा। ये कर्फ्यू दोस्तों 22 मार्च 2020 रविवार को लगेगा। इसमें सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक आपको कहीं नहीं जाना है। ये दोस्तों जनता हित में है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का या देशवासियों का साथ दें। दोस्तों इसमें हम एक दूसरे का साथ देकर इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो एक दूसरे का साथ दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। दोस्तों इसमें उन्होंने आगे बताया कि शाम को ठीक 5 बजे 5 मिनट के लिए अपने घर के दरवाजे, खिड़की, बालकनी या घर की छत पर खड़े होकर सिर्फ 5 मिनट के लिए ताली द्वारा या थाली द्वारा या अपनी घंटी बजाकर
आप ऐसी विपदा में मदद कर रहे पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों या मीडिया कर्मियों को धन्यवाद व्यक्त करें। दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम में अपना पूरा पूरा साथ दें, घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर हमने ये कर लिया तो समझो कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर ली। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।